प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स एंड नोटिफिकेशन। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे लक्ष्मी बॉम्ब फिल्म के बारे में। बात करेंगे कि फिल्म के डायरेक्टर राघवा आजकल क्यों परेशान हैं? आखिर क्यों अक्षय ने इस फिल्म के लिए कोई चार्ज नहीं किया? बेस्ट एक्टर कौन है, अक्षय कुमार या फिर राघवा लॉरेंस? और इस फिल्म का ट्रेलर कब रिलीज होगा? तो वीडियो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज के नए वीडियो में। दोस्तों आज से बॉलीग्राड स्टूडियोज और द फिल्म उलू चैनल, जो कि मेरा खुद का यूट्यूब चैनल है, दोनों मिलकर साथ काम करेंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल द फिल्म उलू को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें, ताकि आप लोगों को बॉलीवुड से रिलेटेड अपडेट्स सबसे पहले मिल सके। दोस्तों अक्षय कुमार, जिन्होंने सबसे पहले अपनी फिल्मों की शूटिंग शुरू कर दी है, और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अक्षय कुमार के पास प्रोजेक्ट्स की लाइंस लगी हैं, तो एक के बाद एक अपनी फिल्मों को एडिटिंग पर वो सेंड करने वाले हैं, और उनमें से सबसे पहली फिल्म होगी लक्ष्मी बॉम्ब। दोस्तों जैसा कि हम पहले भी बात कर चुके हैं अपनी वीडियो में कि इस फिल्म में लीड में नजर आने वाले हैं अक्षय कुमार, कियारा आडवाणी और तुषार कपूर, और इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं राघवा लॉरेंस। राघवा लॉरेंस एक इंडियन कोरियोग्राफर हैं, जो बाद में एक्टर, डायरेक्टर, कंपोजर और बैक सिंगर के तौर पर लोगों के सामने आए। 1998 में इनकी पहली तेलुगु फिल्म आई थी एज अ एक्टर। आफ्टर दैट साल 2001 में एज अ डायरेक्टर इन्होंने फिल्म डायरेक्ट की स्टाइल, उसके बाद मुन्नी। दोस्तों राघवा लॉरेंस को तमिल का सलमान खान माना जाता है, जो हद से ज्यादा सोशल वर्क करते हैं, चैरिटी करते हैं। उनका एक आश्रम है जहाँ 18 बच्चे हैं, अगर उन बच्चों के बहुत ज्यादा क्लोज हैं, लेकिन बीच में उन बच्चों से रिलेटेड बहुत बड़ी अपडेट आई थी सामने कि सभी बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए। सिर्फ यही नहीं, बल्कि उनका देखभाल करने वाले भी कोरोना पॉजिटिव थे। लॉरेंस इस बात से बहुत परेशान थे। उन सभी बच्चों को एक साथ फीवर हो गया था। राघवा के डॉक्टर ने सबका चेकअप किया और दवाइयां दी। अभी फिलहाल सभी ठीक है, सबका टेम्परेचर नॉर्मल हो गया है, लेकिन फिर भी उन्हें 14 दिन के लिए आइसोलेट किया गया है। सभी को ये बात खुद राघवा ने ट्वीट करके बताई। ये बच्चे इनके इसलिए क्लोज हैं क्योंकि राघवा का बचपन भी कुछ ऐसा ही रहा है। ये 18 बच्चे राघव के बहुत खास हैं। दोस्तों सिर्फ यही नहीं, जब फॉर्मर इंडियन प्रेसिडेंट APJ अब्दुल कलाम की डेथ हुई थी, राघवा ने 10 मिलियन डोनेट किया था। इससे तो मानना पड़ेगा कि राघवा सच में साउथ के सलमान खान है। दोस्तों रिपोर्ट की माने तो फिल्म की शूटिंग कंप्लीट हो चुकी है और फिल्म का सॉन्ग बिस्मिल्ला भी शूट हो चुका है। दोस्तों खबरें आ रही कि नेक्स्ट मंथ के शुरुआत में ही हमें फिल्म का टीजर देखने को मिल सकता है, और अगस्त के एंड में फिल्म का ट्रेलर रिलीज होगा, और उसके बाद हमें कहीं जाके फिल्म के सॉन्ग से रूबरू कराया जाएगा। दोस्तों 2010 से लेकर अब तक अक्षय ने कुल 30 फिल्में की, जिनमें से 8 से 10 फिल्में ऐसी हैं जो फ्लॉप और एवरेज में शामिल हैं, और बाकी की फिल्में हिट और सुपर हिट। वहीं अगर राघव की फिल्मों को देखें एज अ हीरो, तो ओवरऑल इन्होंने अभी तक टोटल 18 फिल्में की हैं, जिनमें से 4 फिल्में फ्लॉप हैं। दोस्तों इस हिसाब से देखा जाए तो एज अ एक्टर राघव अक्षय से बेस्ट हैं। अगर हम फिल्म से रिकॉर्ड को देखें तो अब दोनों साथ आ रहे हैं, वो भी बॉलीवुड में। बहुत मजा आने वाला है दोस्तों इस बार। तो बता दूं कि ये फिल्म खासकर बॉलीवुड के ऑडियंस को ध्यान में रखकर बनाई गई है। बात करें एज अ डायरेक्टर, तो इन्होंने अभी तक 7 फिल्में डायरेक्ट की हैं, और इनकी 8वीं फिल्म है लक्ष्मी बॉम्ब। तो उन 7 फिल्मों में से एक फिल्म फ्लॉप रही है और 2 एवरेज, मतलब कि यहाँ भी इनका रिकॉर्ड नेक्स्ट लेवल पे है। इस फिल्म में लक्ष्मी बॉम्ब में कौन कितनी फीस ले रहा है, हम अपनी पहली वाली वीडियो में भी बात कर चुके हैं इसके बारे में, लेकिन फिर भी आप लोगों को बता दूं कि इस फिल्म में अक्षय कुमार एक भी रुपए नहीं ले रहे हैं। यहाँ तक कि तुषार कपूर ने भी फिल्म में पैसा लेने से मना कर दिया है। फिर क्यों दोनों एक्टर्स ने फीस लेने से मना कर दिया, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। कियारा आडवाणी, इन्होंने 2 से 3 करोड़ रुपए चार्ज किया है इस फिल्म के लिए। वहीं राघव लॉरेंस, जो कि इस फिल्म के डायरेक्टर हैं, उन्होंने लिया है 15 से 20 करोड़, और फाइनली तरुण, इन्होंने लिया है सिर्फ 40 लाख रुपए। अब बात करते हैं अक्षय कुमार और तुषार कपूर की, कि इन्होंने इस फिल्म के लिए कोई चार्ज क्यों नहीं किया, क्योंकि ये दोनों इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं, और जितना भी फायदा होगा 3 लोगों में बटेगा पैसा। अक्षय कुमार की फिल्म है तो बॉक्स ऑफिस में कितना कलेक्शन करेगी, इसका तो हम हिसाब नहीं लगा सकते। फिल्म लक्ष्मी बॉम्ब रिलीज हो रही है अक्टूबर के आसपास। बहुत से लोग बातें कर रहे हैं कि ये फिल्म OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। ये फिल्म सिनेमा घरों में रिलीज होगी, और इस बात का इंतजार कर रहे हैं फिल्म मेकर्स। वो चाहते हैं कि सब कुछ नॉर्मल हो जाए और तब हम इस फिल्म को रिलीज करें,
ताकि फिल्म अच्छा से अच्छा प्रॉफिट कर सके। दोस्तों, ये राघव की 8वीं फिल्म है और पहली बार बॉलीवुड में एंट्री करने जा रहे हैं एज अ डायरेक्टर राघव लॉरेंस। आपको क्या लगता है कि उन्हें बॉलीवुड का टेस्ट पता है? वो जानते हैं कि बॉलीवुड में कैसे फिल्मों को पसंद किया जाता है, बॉलीवुड की ऑडियंस किस तरह की फिल्में देखना पसंद करती है। अगर राघवा ने अच्छे से होमवर्क नहीं किया तो मैं बता रहा हूँ, ये फिल्म अपने मुंह के बल गिरेगी और सिर्फ अगर थोड़ा बहुत कलेक्शन करेगी तो वो सिर्फ अक्षय कुमार की वजह से। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि ये फिल्म कामयाब हो पाएगी या नहीं, हमें कमेंट करें और अपनी राय दें। साथ ही अगर आपके मन में कोई सुझाव है या फिर शिकायत है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। तब तक के लिए देखते रहें द फिल्मी उल्लू चैनल और बॉलीग्राड स्टूडियोज। थैंक यू सो मच।